प्रयागराज कमिश्नरेट की गंगानगर के डीसीपी अभिषेक भारती और उनकी टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल की। पुलिस नियमित वाहन जांच कर रही थी जब उन्होंने संदिग्ध व्यक्तियों के एक समूह को घटनास्थल से भागने की कोशिश करते देखा। अपराधियों को पता चला कि उन्हें देख लिया गया है, उन्होंने अपने वाहन से भागने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने तुरंत एक घेरा बना लिया और उन्हें घेर लिया। पुलिस को देखकर अपराधियों ने पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस ने भी सटीकता और साहस के साथ जवाब दिया, जिसमें दो अपराधियों के पैर में गोली लगी और वे जमीन पर गिर पड़े, जबकि तीसरा पास के खेतों में भागने में सफल रहा। पुलिस ने काफी संयम दिखाते हुए दोनों घायल अपराधियों को पकड़ लिया और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। तीसरे अपराधी को भी पुलिस ने पकड़ लिया क्योंकि वो खेतों में छिपने की कोशिश कर रहा था। डीसीपी अभिषेक भारती ने बाद में मीडिया को बताया कि पकड़े गए अपराधियों से उनकी आपराधिक गतिविधियों के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए गहन पूछताछ की जाएगी। आज दिनांक 3 मई 2024 को गंगानगर जोन में रात्रि चेकिंग की जा रही थी। रात्रि चेकिंग के दौरान थाना थरवई पुलिस द्वारा एक चार पहिया वाहन को रोकने का प्रयास किया गया। उक्त वाहन से तीन बदमाशों द्वारा निकलकर भागते हुए पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस फायरिंग में दो अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है और एक अभियुक्त को मौके से तत्काल गिरफ्तार किया गया है। मजरूब अभियुक्तों को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।